डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और मैं विनोद गुप्ता, रियल स्टेट कंसल्टेंट बोल रहा हूँ। आज मेरे दोस्तों, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जो बार बार मैं UER2 की वीडियो बना के डालता रहा, और इसके साथ में जो कनेक्टिंग एरियाज हैं उसकी वीडियो आज मैं रोहिणी सेक्टर 34, C5 और C6 के पास खड़ा होने के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं आज इसमें कुछ अहम बात बताना चाहता हूँ। UER2 की वीडियो कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ जाके एंड होगा, ये फिर बता देता हूँ कि जिस पॉइंट पर मैं खड़ा हुआ हूँ, 34 C5 C6, यहाँ ये अलीपुर साइड से आएगा। तकरीबन 8-10 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा और 5-7 मिनट में आप GT रोड अलीपुर पर यहाँ से होंगे। और इसके साथ में ये रोड, ये सामने बवाना इंडस्ट्रियल एरिया है और इसके साथ में 34 सेक्टर है, पूरा आप देख पा रहे हैं। 34 C5 C6 ये ट्रैफिक चलता हुआ नज़र आपको आ रहा होगा। इसके साथ में UER2 से ये रोड डाइवर्ट किया गया, जो सर्विस लेन बोलते हैं, ये इधर से होते हुए रोहिणी अंदर की तरफ जा रहा है ये ट्रैफिक, और बाहर से आता हुआ है। और इस रोड पर ये जो वापसी देख रहे हैं, ये जो ट्रैफिक है, ये बवाना इंडस्ट्रियल एरिया, या इसको आप मान सकते हैं कि ये GT करनाल रोड की तरफ ट्रैफिक जा रहा है। आगे मैं बताना चाहता हूँ, यही रोड आगे कराला से होते हुए, मुंडका से होते हुए, द्वारका एक्सप्रेसवे को क्रॉस करते हुए और ये शिव मूर्ति पर जाकर मिलेगा। इसका डिस्टेंस फिर कवर कर रहा हूँ, अप्रॉक्स 46 किलोमीटर्स, स्पीड 120 किलोमीटर की रहेगी UER2 पर, और 25-30 मिनट पे आप इस डिस्टेंस को कवर कर लेंगे मेरे दोस्तों। आगे मैं बताना चाहता हूँ, जो बार बार कई वीडियोज़ मैंने देखी हैं कि जो रेट बढ़ने घटने की बातें हैं, वो दोस्तों किसी को नहीं पता होता, बट एक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जैसे जैसे एरिया डेवलप होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट होता है, रेट वहाँ के बढ़ने शुरू हो जाते हैं, रीजन बीइंग जगह यूज़ में आना शुरू हो जाती है। यहाँ से मैं बात करूँ तो रफली 10 किलोमीटर हमारा GT रोड है, और वहाँ से अलीपुर से हम लोग 10 मिनट के अंदर, 5-7 मिनट में यहाँ से GT रोड अलीपुर, और GT रोड अलीपुर से हम TDI कुंडली, जो मेन GT रोड पर कनेक्ट करेगा, 12 मिनट में यानी 20-22 मिनट में हम यहाँ से GT रोड TDI सिटी कुंडली पहुँच सकते हैं। और मेरा होरिजन ये है कि TDI सिटी कुंडली में मैं जो इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा ड्रॉबैक ज़रूर है, बट इसके साथ मैं कहना चाहता हूँ, आप 4-5 साल के लिए अगर पैसे लगाना चाहते हैं, सारे इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे, UER2 कनेक्टिविटी हो जाएगी, रैपिड मेट्रो शुरू हो जाएगी। और इसके साथ में जो प्राइसिंग, मैं 20,000 रुपये के करीब की बात करता हूँ, वो दैट इज़ प्योरली फॉर इन्वेस्टमेंट इन HIJK, थोड़ा सा महंगा है, 22-23 हज़ार रुपये के करीब है। आप अगर 5 साल मान के चलते हैं, बिजली पानी सड़कें सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, राजीव गांधी एजुकेशनल सिटी जो है वो भी कामयाब हो जाएगी, और वो जगह यूज करने के लिए बवाना इंडस्ट्रियल एरिया यूज़ करेगा, कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया यूज़ करेगा, इसके साथ राई इंडस्ट्रियल एरिया यूज़ करेगा और नरेला यूज करेगा। ये सब लोग जो फैक्ट्री बनाए बैठे, ये दिल्ली से जाते हैं, और जब इनको फैसिलिटीज़ बड़े प्लॉट की, 250 और 350 गज के प्लॉट है, 500 गज है, तो ये लोग वहाँ भी रह सकते हैं। आगे मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये UER2 का आज अभी तक कहीं कहीं पर रोड खुला हुआ है, थोड़ा बहुत कनेक्टिविटी दी है, पूरी नहीं है, ये ट्रैफिक आज भी देख सकते हो। दिस इज़ फ्रॉम अलीपुर एंड दिस इज टूवर्ड्स बवाना। और मेरे दोस्तों, इसके साथ में आप फ्लो देख सकते हैं, ये सेक्टर 34 C5 पॉकेट है मेरे सामने, बोर्ड भी आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं उसको, ये C5 और C6 का डिवाइडिंग रोड है, जिस पर ट्रैफिक आप हर सेकंड कनेक्टिविटी देख रहे हैं, और ये कुछ मकान बने हुए C5 C6 में। और मेरे साथ मेरे दोस्तों, अगर आप देख पा रहे हो, जो मैं LIG फ्लैट सेक्टर 34 की बात करता हूँ, और थोड़ा सा आगे चलेंगे इसी रोड से लास्ट में, तो आपको कुछ LIG फ्लैट्स दिमे हैं, दिखाई अगर दे रहे हैं, कैमरा थोड़ा सा वीक है मेरा, बट आप समझ सकते हैं कि वो LIG फ्लैट्स है, जिसकी बात मैं 12 लाख से लेके 15-16 लाख रुपये तक आपको टॉप फ्लोर से लेके और फर्स्ट फ्लोर तक मिल सकता है। ग्राउंड फ्लोर आप, फिर रिपीट कर रहा हूँ, 18-20-22 लाख रुपये, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन। आज अगर ट्रैफिक का फ्लो रोड नहीं खुला है, ये है खुलने की उम्मीद, UER2 की अक्टूबर 2023 है, इसी साल खुल जाएगा ट्रैफिक। सोच सकते हैं यहाँ से गुड़गांव एयरपोर्ट जाने में आपको आधा घंटा लगेगा मेरे दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन मौका है। यहाँ पर 26-32-60 मीटर के प्लॉट हैं, पेड़ भी आप ले सकते हैं। और दिल्ली की मैं बात करूँ, यहाँ 1.5-1.5 लाख रुपये स्क्वायर यार्ड की बात है, और रोहिणी सेक्टर 8, 9, 7, 6 की बात करूँ तो वहाँ पर 2.5 से 2.75 लाख रुपये, 2.5 से लेके और 4 लाख रुपए तक का रेट है मेरे दोस्तों।
मेरा कहना यही है कि यहाँ अगर आज आप इन्वेस्ट करते हैं तो 20-25 साल की आरओआई मिलेगी, नंबर वन। नंबर टू, 5 साल की बात करें तो 2 से 3 गुना पैसे बढ़ने की आपकी उम्मीद है। ये बसेस आप देख सकते हैं यहाँ पर, कनेक्टिविटी हर चीज़ से हो चुकी है मेरे दोस्तों। ये बहुत ही बेटर एक वे है दिल्ली के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। फ्री होल्ड DDA प्लॉट्स हैं, बैंक से लोन मिल सकता है। आप यहाँ कोई भी प्लॉट लेंगे, आपको नुकसान का कोई अब वो नहीं है। आपके अपने पैसे हैं इन्वेस्टेड, और ब्याज चार्ज पे लेके पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हो तो नॉट एडवाइजेबल मेरे दोस्तों। कई बार नंबर के साथ मेरे से पूछा जाता है, आप नंबर दीजिए, लाइन दीजिए। दोस्तों, मैं पहले नंबर, लाइन सब कुछ देता रहा हूँ, बट बात ये निकल के आती रही कि हमारे जो प्राइसिंग होते हैं वो टूवर्ड्स लास्ट के प्राइसिंग होती है, ऑलमोस्ट नो बार्गेनेबल। नंबर लेने के बाद इधर उधर लोग उस नंबर को इंक्वायरी करते हैं। तो मेरे दोस्तों, अगर आप इंटरेस्टेड हैं सोना गुप्ता प्रॉपर्टी से बात करने के लिए, वहाँ की ट्रांसपेरेंसी ये है, वन, हमें 25-30 साल हो गए हैं, कागज़ कोई कंप्रोमाइज़ करेंगे नहीं, रेट बाज़ार रेट में आपको देंगे। हमारी ब्रोकरेज वह 1% की होगी, और ट्रस्ट करना चाहते हैं तो 25-30 साल का हमारा क्रेडिट है, उस पर आप ट्रस्ट करके आप हमारे से बात कर सकते हैं। एलआईजी फ्लैट की भी बात करूं तो यहाँ लोग बोलते हैं कि 11-12 लाख रुपए में क्या डाउन हो जाएगा। मेरे दोस्तों, जो मैं बात करता हूँ लास्ट की, कोई 10 लाख बोलता है, 12 बोलता है, 9 बोलता है, वो उसकी आपकी अपनी समझ है मेरे दोस्तों। यहाँ अगर आप पैसे लगाते हैं, और मैं सेक्टर 34-35 की आज बात करना चाहता हूँ कि यहाँ अगर आप पैसे लगाते हैं तो दिल्ली का ये पार्ट है, 34 में कोई गांव आसपास में है नहीं। फ्लैट्स है, बिजली है, पानी है, सड़कें, एवरीथिंग इज अवेलेबल। ये ट्रैफिक आप देख सकते हैं, मैं स्पेशल धूप के अंदर खड़ा होकर इस वीडियो को बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। और मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो देखने के बाद आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, और 1000 जब मेरे सब्सक्राइबर हो जाएंगे, 1001 को यू विल बी गेटिंग ए सरप्राइज गिफ्ट, उस तक पहुँचाने की मेरी कोशिश है, और आप लोग मेरे मदद कीजिए। ये आगे मैं ये बताना चाहता हूँ कि गुड़गांव में आज द्वारका एक्सप्रेस वे पर भी 1.25 से 1.5 लाख रुपए का रेट है लैंड का। वहाँ की जो डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छी है, नो डाउट, बट वहाँ से अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो दिल्ली में इन्वेस्ट कीजिए लैंड में, फ्री होल लैंड में, क्योंकि दिल्ली का रेट 7-8 लाख रुपये पर स्क्वायर यार्ड भी है, और हल्के से हल्का 4-5-6 लाख रुपये से कम किसी एरिया में है नहीं। तो दिल्ली का ये लैंड जब 5-6 साल 7 साल बाद बात करेंगे, यहाँ के रेट भी 4-5 लाख पे स्क्वायर यार्ड होंगे, जो आज 1.25 से 1.5 लाख रुपए की करीब फ्री होल्ड है मेरे दोस्तों। कल आने वाले टाइम में आप इसको रेंटल भी यूज कर सकते हैं, रहने के लिए यूज कर सकते हैं, और कल आपका कोई बच्चा है वो अगर बिल्डर बनना चाहता है तो यहाँ से आप उसकी शुरुआत करा सकते हैं, क्योंकि 26 मीटर है, 32 मीटर है, 60 मीटर है। आज 35 से 40 लाख रुपये 26 मीटर, और 32 मीटर 45 से 50 52 लाख, 60 मीटर तक 90 से 1 करोड़ रुपए के करीब की बात मैं कर रहा हूँ 30 जून 2023 की मेरे दोस्तों। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, बट इसके साथ मैं बताना चाहता हूँ कि जब आप फर्स्ट प्रेफरेंस आप दिल्ली में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, रोहिणी सेक्टर 34 इज़ द बेस्ट रीजन, बिंग कि आज भी 1.25 लाख रुपये में आपको प्लॉट मिल रहे हैं। दूसरा, आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप, मेरी अपनी व्यक्तिगत सलाह ये है कि सोनीपत TDI सिटी कुंडली में इन्वेस्ट कीजिए। 5 साल कुछ मत देखिए आप, 20,000 रुपये का जो एप्रिसिएशन है वो सबसे बड़ी चीज़, रहने लायक जगह बन जाएगी। मैं रेट की बात ही नहीं कर रहा हूँ, बिजली पानी सड़कें और जो बिजली का इशू है सब सॉल्व हो जाएगा। कल रेंटल आपको अच्छा आएगा, राजीव गांधी एजुकेशनल सिटी में स्टाफ को जरूरत पड़ेगी, और उसके बाद आप समझते हैं जब भी कोई जगह बसासत में आ जाती है तो उसके रेट अपने आप 3 गुना 4 गुना हो जाएंगे, क्योंकि आज भी TDI सिटी ए ब्लॉक वगैरह में 50-55 हज़ार रुपये का रेट है। इन्हीं शब्दों के साथ, यू कैन सी द ट्रैफिक ऑन UER2, और खुलने के बाद यहाँ आप समझ सकते हैं कि दिसंबर 2023 की जो मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और यहाँ से ये कनेक्टिविटी सेक्टर 34-35 34-35 36-37 इसी रोड पर है, और 34C5C6 की मैं बात करूँ तो मकान बनने शुरू हो जाएंगे, और उस टाइम प्लॉट को पकड़ना बड़ा मुश्किल होगा मेरे दोस्तों। इन्हीं शब्दों के साथ, अगर आप एक ट्रस्ट वर्दी, क्रेडिट वर्दी और गुडविल वाले रियल स्टेट ब्रोकर को ढूंढ रहे हैं सोना गुप्ता प्रॉपर्टी से, बढ़िया आपको मिलेगा नहीं। व्यक्तिगत विनोद गुप्ता मैं बोल रहा हूँ, और यू कैन क्रॉस चेक अबाउट मी, जो बोलता हूँ सच बोलता हूँ, ठोक बजा के बोलता हूँ, और 25-30 साल का जो मेरा अनुभव है उसके ऊपर बोलता हूँ। कौन क्या बोल रहा है आई डोंट बॉदर फॉर दैट, बिकॉज आई पास थ्रू ऑल दीज फेजेस, प्लस माइनस कैसे बाज़ार मूवमेंट करता है। पिछले 6 महीने से ये बाज़ार मूवमेंट में अभी तक नहीं आया हमारी 34-35 का मेरे दोस्तों।
आज आप प्लॉट ले लेते हैं तो सोचिए आप गाड़ी में बैठ गए हैं, कभी भी सिट्टी बज के गाड़ी चलनी शुरू हो जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ स्टार्ट इन्वेस्टिंग इनटू सेक्टर 34, बेस्ट टाइम फॉर मोमेंट एप्रिसिएशन एंड यूज़। और वीडियो अच्छी लगे तो मेरे दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजिए, ताकि वो अगर एक LIG फ्लैट लेना चाहते हैं, वो मेरे पास 12-13 लाख रुपए का है, प्लॉट लेना चाहते हैं छोटा प्लॉट मैं 30 लाख रुपए का उनको दे पाऊंगा, और इसके साथ में 60 मीटर प्लॉट 1 करोड़ रुपए का है, और 250 गज प्लॉट अगर सोनीपत में आप चाह रहे हैं वो 50 लाख रुपए का मैं आपको दे पा रहा हूँ। और मेरे दोस्तों इसके साथ एप्रिसिएशन और इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी और सेल परचेज के लिए कोई भी सर्विसेज चाहिए, सोना गुप्ता प्रॉपर्टी इज़ द बेस्ट, आप संपर्क कीजिए। थैंक यू।